बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने ICS पार्ट 1 की बुक का चैप्टर नंबर 9 स्प्रेडशीट्स को मुकम्मल कर लिया था और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ICS पार्ट 1 की बुक का चैप्टर नंबर 10। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम सिर्फ एक बुक को फॉलो नहीं कर रहे बल्कि पाकिस्तान में पढ़ाई जाने वाली तमाम इंटर कंप्यूटर साइंस की बुक को फॉलो कर रहे हैं। तो कुछ बुक्स में इस चैप्टर का नाम है फंडामेंटल ऑफ इंटरनेट और कुछ बुक्स में इसका नाम है इंटरनेट ब्राउजिंग एंड यूजिंग ईमेल। तो दोस्तों, बुक्स में नामों का फर्क तो जरूर है लेकिन टॉपिक्स सेम है। तो आइए जानते हैं कि तमाम बुक्स में और इस चैप्टर में हम किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये चैप्टर इंटरनेट से रिलेटेड है, तो इसमें जो हम पहला टॉपिक कवर करेंगे वो होगा हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट एंड व्हाट इज इंटरनेट, यानी इंटरनेट स्टार्ट किस तरह से हुआ था, इसकी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे और साथ के साथ आपको ये भी बताएंगे कि इंटरनेट होता क्या है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा वो होगा हाउ इंटरनेट वर्क्स, यानी इंटरनेट काम किस तरह करता है, किस तरीके से दुनिया के तमाम कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं और एक मुल्क में मौजूद इंफॉर्मेशन दूसरे मुल्क तक बआसानी पहुंच जाती है इंटरनेट के जरिए, इसकी डिटेल्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद जो थर्ड लेक्चर हमारा होगा वो होगा एड्रेसिंग स्कीम्स, जिसमें हम एड्रेसिंग स्कीम्स और उसकी टाइप्स यानी आईपी एड्रेसिंग और डीएनएस एड्रेसिंग की डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे। और दोस्तों, इसके बाद हम इंटरनेट के कुछ फीचर्स जैसे कि वेब टर्मिनोलॉजीज, ईमेलिंग सिस्टम और न्यूज ग्रुप की डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों, वेब टर्मिनोलॉजीज में हम आपको खासकर से वर्ल्ड वाइड वेब, वेब पेजेस, वेबसाइट्स, सर्च इंजन और वेब ब्राउजिंग की डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे कि किस तरह से काम करता है। इसके बाद ईमेलिंग सिस्टम में हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से ईमेलिंग सिस्टम होता क्या है और किस तरह से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक आप ईमेल को भेज सकते हैं। और इसी तरह साथ के साथ हम आपको ईमेल्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस से भी आगाह करेंगे। और लास्ट टॉपिक हमारा होगा न्यूज ग्रुप, जिसमें हम आपको बताएंगे कि न्यूज ग्रुप होता क्या है और ये किस तरह से ईमेलिंग सिस्टम और वेब टर्मिनोलॉजी से डिफरेंट होता है। तो दोस्तों, ये तमाम टॉपिक्स हम इस चैप्टर नंबर 10 के अंदर कवर करेंगे। अब दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे आपका लेक्चर नंबर 1 हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।